बिस्मिल्ल रखमल रही असल कैसे आप सब लोग मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत होंगे मैं हूँ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल ठीक है जैसे कि आपको पता है कि मैं ये पैटर्न आपको बताना बता रही हूँ जो कि आपको मैं आज रो नंबर ट्वेंटी फाइव तक बताऊंगी आगे की ये आ, आज की फाइव रोज आपको बता रही हूँ जो कि मैंने यहां तक बना लिया है ये दो डॉट्स तक यहां तक बना लिया है नंबर तक तक आती है है जो कि मैं गई ठीक है? तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी दबा दें और आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि ये आपको डिजाइन किस कैसा लग रहा है ठीक है तो चलिए वैसे ये जो मोजिक स्टिच है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप मोजिक स्टिच देखना चाहती हैं कि नहीं देखना चाहती वैसे नॉर्मली जब हम सिंगल क्रोश और डबल क्रोशे करते हैं तो हमने इस स्टिच इन दो दोनों स्टिचेस को लेके चलते हैं लेकिन जब हम मोजिक स्टिच पे करते हैं तो हम ये बैक लूप पे करते हैं ये पीछे वाला लूप होता है और जो फ्रंट लूप होता है ये सामने वाला ये वाला लूप होता है ठीक है जो फ्रंट लूप होता है ये वाला लूप होता है ठीक है तो यहाँ पे हमने इसको हम मोजिक स्टिच करते हैं तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इसको हम किस तरीके से बनाते हैं देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ तक रो नंबर ट्वेंटी ट्वेंटी तक रो नंबर बीस तक मैं आपको बताना बता चुकी थी तो हर रो में मैंने आपको फाइव फाइव पार्ट्स करके बताए हैं आज रो नंबर ट्वेंटी वन से स्टार्ट करूंगी तो रो नंबर ट्वेंटी वन है जो कि यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बैक लूप जो सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया फ्रंट लूप और बैक लूप से काम कर रहे हैं रो नंबर ट्वेंटी वन हमारे पास स्टार्ट होने वाली है जो कि स्टार्ट हमने वन सिंगल क्रोशिया से करना है सिंगल क्रोशिया बैक लूप पे करेंगे ठीक है वन सिंगल क्रोशिया फिर आगे फ्रंट पोज पे वन डबल क्रोशिया डबल क्रोशिया हम फ्रंट लूप पे करेंगे इस तरीके से अब आगे फिफ्टीन सिंगल क्रोशिया जहां पे देखें ये सिंगल क्रोशिया ना यहाँ पे एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह फिफ्टीन सिंगल क्रोशिया के बाद वन डबल क्रोशिया ठीक है यहाँ तक डबल क्रोशिया करेंगे ये देखें फिफ्टीन सिंगल क्रोशिया के बाद वन डबल क्रोशिया अब अगेन हमने यहाँ पे फिफ्टीन सिंगल क्रोशिया करना है जो डबल क्रोशिया का ना वहां वो लूप छोड़ के आगे एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह फिर फिफ्टीन सिंगल क्रोशिया के बाद यहाँ पे वन डबल क्रोशिया यहाँ तक करेंगे ठीक है ये देखें फिफ्टीन सिंगल क्रोशिया के बाद वन डबल क्रोशिया कर लिया और लास्ट पे हमने फिर टू सिंगल क्रोशिया कर लेना है जो कि टू सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बैक लूप पे इस तरीके से करेंगे सिंगल क्रोशिया बैक लूप पे करेंगे और डबल क्रोशिया हमने फ्रंट लूप पे करना है ठीक है ये रो नंबर ट्वेंटी वन इस तरीके से हमारी कंप्लीट हो गई है इसी चीज़ को आप रिपीट करेंगे रो नंबर ट्वेंटी वन कुछ इस तरीके से है वन सिंगल क्रोशिया वन डबल क्रोशिया फिर फिफ्टीन सिंगल क्रोशिया वन डबल क्रोशिया अगेन फिफ्टीन सिंगल क्रोशिया वन डबल क्रोशिया और लास्ट पे टू सिंगल क्रोशिया इस तरीके से रो नंबर ट्वेंटी वन थर्टी सिक्स स्टिचेज हमारे कंप्लीट हो जाते हैं यही चीज़ आपने आगे रिपीट करनी है अब देखिए पूरा राउंड कंप्लीट करने के बाद लास्ट पे जब हम टू सिंगल क्रोशे करते हैं और धागे को चेंज करते हैं तो कुछ इस तरीके से करेंगे लास्ट इस तरीके से यहाँ पे इसको पीछे करके नेक्स्ट आगे ले आएंगे जो सेकंड कलर है ठीक है राउंड नंबर ट्वेंटी टू टौ स्टार्ट करने लगे हूँ जो कि टू सिंगल क्रोशे से स्टार्ट होता है वन एक और दो टू सिंगल क्रोशिया उसके बाद सेवन डबल क्रोशिया करेंगे एक दो तीन चार पांच छह सात सेवन डबल क्रोशिया यहां तक आएगा ठीक है ये इस तरीके से अब आगे वन सिंगल क्रोशिया ठीक है नेक्स्ट बैक टू पे वन सिंगल क्रोशिया वन सिंगल क्रोशिया के बाद अगेन सेवन डबल क्रोशिया जो कि देखें एक दो तीन चार पांच छह सात यहाँ तक सेवन डबल क्रोशिया आएंगे अब देखें वन सिंगल क्रोशिया सेवन डबल क्रोशिया हो गया अब अगेन वन सिंगल क्रोशिया बैक लूप पे करेंगे यहाँ पर वन सिंगल क्रोशिया और सेवन डबल क्रोशिया ठीक है वन सिंगल क्रोशिया और सेवन डबल क्रोशिया जबकि एक दो तीन चार पांच छह सात यहां तक आएंगे वन सिंगल क्रोशिया सेवन डबल क्रोशिया आप देखें वन सिंगल क्रोशिया सेवन डबल क्रोशिया होने के बाद अगेन वन सिंगल क्रोशिया थ्री टाइम्स इसको रिपीट करें टू टाइम्स हो गया लास्ट में थ्री थर्ड टाइम है वन सिंगल क्रोशिया और सेवन डबल क्रोशिया डबल क्रोशिया हमारे पास एक दो तीन चार पाँच छ सात यहां तक आएगा ठीक है लास्ट तक जो कि सिंगल क्रोशिया का ये तो छोड़ देंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात यहाँ पर आएगा ठीक है ये देखें अब देखिए वन सिंगल क्रोशिया सेवन डबल क्रोशिया करने के बाद लास्ट पे थ्री सिंगल क्रोशिया करेंगे एक बैक लूप पे डाल के एक दो और तीन थ्री सिंगल क्रोशिया ठीक है तो रो नंबर ट्वेंटी टू टु किस तरीके से है जो स्टार्ट होती है टू सिंगल क्रोशिया से ठीक है टू सिंगल क्रोशिया क्रोशियवन डबल क्रोशिया फिर वन सिंगल क्रोशिया सेवन डबल क्रोशिया वन सिंगल क्रोशिया क्रोशियवन डबल क्रोशिया वन सिंगल क्रोशिया क्रोशियवन डबल क्रोशिया और लास्ट पे थ्री सिंगल क्रोशिया इस तरीके से थर्टी सिक्स स्टिचे मेरे यहाँ पे कम्पलीट हो जाते हैं इसी चीज को आगे आप आग रिपीट करेंगे अब देखे दो नंबर ट्वेंटी टू कम्पलीट करने के बाद ओन नंबर ट्वेंटी थ्री स्टार्ट करने लगी हु जो कि टू डबल क्रोशिया से स्टार्ट होता है डबल क्रोशिया यहां पे फ्रंट लूप में डालेंगे इस तरीके से यहाँ पे देखिए एक ये जो फ्रंट लूप में आपको नजर आता है यहां पे स्टार्ट करेंगे टू डबल क्रोशे से ठीक है एक और यहां पे दो टू डबल क्रोशे अब यहां पे सिंगल क्रोशे करेंगे एक इसको पीछे कर देंगे दो तीन चार पच सात, आठ नौ दस बारह तेरह चौदह और पंद्रह फिफ्टीन सिंगल क्रोशी यहां पे करेंगे ठीक है टू डबल क्रोशे के बाद फिफ्टीन सिंगल क्रोशे किया अब आगे वन डबल क्रोशे देखें इस जगह पे डाल के यहां पे यहां पे वन डबल क्रोशे और अगेन गेंद फिफ्टीन सिंगल क्रोशे करेंगे यहां पे देखें कहां तक जाएंगे फिफ्टीन सिंगल क्रोशे एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह यहां तक हमारे फिफ्टीन सिंगल क्रोशिय जाएंगे आप देखें ये फिफ्टीन सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करने के बाद लास्ट आ आगे थ्री डबल क्रोशियर ठीक है तो डबल क्रोशियर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था फ्रंट लूप में करेंगे तो यहाँ पे एक दो और तीन थ्री डबल क्रोशिया हमारे पास लास्ट पे हो जाएंगे ठीक है देखिए स्टार्ट हमने टू डबल से किया था ठीक है फिर फिफ्टीन सिंगल क्रोशे फिर वन डबल क्रोशे फिफ्टीन सिंगल क्रोशे लास्ट पे थ्री डबल क्रोशे ठीक है इस तरीके से थर्टी सिक्स स्टीचेस हमारे कम्पलीट हो गए पंद्रह पंद्रह तीस और तीस इकतीस बत्तीस तैतीस 34 और पैंतीस और छत्तीस ठीक है इस तरीके से छत्तीस फंदे हमारे थर्टी सिक्स स्टिचे कम्पलीट हो गया अब आप दोबारा शुरू करेंगे ना तो दोबारा भी यहाँ पे टू डबल क्रोशे से स्टार्ट करेंगे टू डबल क्रोशे फिफ्टीन सिंगल क्रोशे फिर वन डबल क्रोशे फिर फिफ्टीन सिंगल क्रोशे और फिर थ्री डबल क्रोशे करेंगे ठीक है अब देखें लास्ट का जो डबल क्रोशे में हम जब धागा चेंज करते हैं तो किस तरीके से करते हैं वो भी हम देख लेते हैं इस धागे को पीछे करके अब सेकेंड कलर ज्वाइन करेंगे इस तरीके से आखिर में दो फंदे छोड़ के ऐसे हमने धागे को चेंज करना है अब रो नंबर ट्वेंटी फोर स्टार्ट करें हम रो नंबर ट्वेंटी फोर जो कि सिंगल क्रोशे से स्टार्ट होगी जो कि फोर सिंगल क्रोशे हमारे पास एक देखें यहां पर यहां से स्टार्ट हो रहा है तो एक बैक लूप पे सिंगल क्रोशे करेंगे ठीक है और इस धागे को टाइट करने के लिए हम यहाँ पे पहली बार में ज्वाइन कर देंगे ठीक है तो अब इसको पीछे करके आगे मजीद करेंगे दो तीन और चार फोर सिंगल क्रोशे के बाद डबल क्रोशे करेंगे अब सेवन डबल क्रोशे करेंगे जो कि हमारे पास यहां से स्टार्ट होगा इस जगह से यहाँ पे एक दो तीन चार पांच सात, सेवन डबल प्रोशे अब आगे वन सिंगल प्रोशे करेंगे देखें बैक लूप पे हमने सिंगल क्रोशे करने हैं वन सिंगल क्रोशे के बाद फाइव डबल क्रोशे करने हैं जो कि डबल क्रोशे हमारे पास एक दो तो, तीन चार पांच यहां तक हमने डबल क्रोशे करने हैं अब देखें अगेन वन सिंगल क्रोशे फाइव डबल क्रोशे करेंगे सिंगल क्रोशे हमने बैक लूप पे करना है वन सिंगल क्रोशिया और फाइव डबल क्रोशे डबल क्रोशे यहाँ पे एक दो तो, तीन चार पांच यहां तक डबल क्रोशे आ जाएंगे अब देखिए वन सिंगल क्रोशिया फाइव डबल क्रोशिया करने के बाद अब यहाँ पर अगेन वन सिंगल क्रोशिया और सेवन डबल क्रोशिया करेंगे वन सिंगल क्रोशिया और सेवन डबल क्रोशिया डबल क्रोशिया यहाँ पर आएगा देखिए एक दो तीन चार पांच छ सात यहां तक आएगा सेवन डबल क्रोशिया ठीक है ये देखिए वन सिंगल क्रोशिया सेवन डबल क्रोशिया कंप्लीट कर दिया ठीक है एक दो तीन चार पांच छह सात अब आखिर में फाइव सिंगल क्रोशिया करेंगे सिंगल क्रोशिया मैंने आपको कहा था बैक लूप पे करेंगे तो यहां पे देखें एक दो तीन चार और पांच इस तरीके से मेरे पास थर्टी सिक्स स्टिचे कंप्लीट हो जाते हैं जो कि स्टार्ट मैंने आपको फोर सिंगल क्रोशिया किससे किया था फोर सिंगल क्रोशिया दो दो चार पांच छह सात सेवन डबल क्रोशिया फिर वन सिंगल क्रोशिया दो दो चार पांच फाइव सिंगल क्रोशिया फिर वन फाइव डबल क्रोशिया सॉरी फिर वन सिंगल क्रोशिया दो दो चार पांच फाइव डबल क्रोशिया फिर वन सिंगल क्रोशिया दो दो चार पांच छह सात सेवन डबल क्रोशिया और लास्ट पे दो दो चार पांच फाइव सिंगल क्रोशिया ये देखें यहाँ पर इस तरीके से मेरे पास ये अब ये जो सी ना ये पत्तियां बन रही हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख रही हैं ये इस तरीके से यहाँ पे पत्ते बन रही हैं ठीक है ये जो चीज है ठीक है साइड पे ये देखें ये जो चीज है यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे आप मेरे पास ये और ये पत्ते बांध रहे हैं ठीक है ये चीज है अब राउंड नंबर ट्वेंटी फाइव स्टार्ट करने लगी हूँ जो कि फोर डबल क्रोशे से स्टार्ट होता है ठीक है डबल क्रोशे हमने फ्रंट लूप में करने हैं यहाँ पे देखें इस जगह से स्टार्ट होगा वन टू थ्री तीन और चार फोर डबल क्रोशे से हमने राउंड नंबर ट्वेंटी फाइव स्टार्ट किया फोर डबल क्रोशे उसके बाद आपने यहाँ पर सिंगल क्रोशे करेंगे जो कि थर्टीन सिंगल क्रोशे है थर्टीन सिंगल क्रोशे आपके पास देखें कहाँ तक आते हैं एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह यहां तक यहां से लेकर यहां तक आपने थर्टीन सिंगल क्रोशे करनी है ठीक है ये देखें थर्टीन सिंगल क्रोशे के बाद अब वन डबल क्रोशे करेंगे डबल क्रोशे आपने फ्रंट लूप में करना है वन डबल क्रोशे उसके बाद अगेन थर्टीन सिंगल क्रोशे जो कि एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह यहां तक थर्टीन सिंगल क्रोशे आता है और अब लास्ट में फाइव डबल क्रोशिया डबल क्रोशे फ्रंट लूप में करेंगे तो एक दो तीन चार पांच फाइव डबल क्रोशिया हमने लास्ट पे कर लिया है ठीक है इस तरीके से थर्टी सिक्स स्टिचे मेरे कंप्लीट हो जाते हैं जो कि हमारे पास फोर डबल क्रोशे से स्टार्ट हो रहे हैं फोर डबल क्रोशिया थर्टीन सिंगल क्रोशिया फिर वन डबल क्रोशिया थर्टीन सिंगल क्रोशिया और फिर फाइव डबल क्रोशिया ये रो नंबर ट्वेंटी फाइव मेरी यहाँ तक है नेक्स्ट आप यहाँ पे फोर डबल क्रोशिया से अगेन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे फाइव डबल क्रोशिया के बाद फोर डबल क्रोशिया जो कि एक दो तीन चार फोर चीज आपको नजर आ रहे हैं फिर थर्टीन सिंगल क्रोशिया यहाँ तक फिर वन डबल क्रोशिया अगेन थर्टीन सिंगल क्रोशिया और फिर फाइव डबल क्रोशिया इस तरीके से ये चीज आपने रिपीट करते जाना है ठीक है यहाँ तक ये यह, ये यह पत्ती यहां तक बन रही है ठीक है ये देखें इसके दो डॉट्स यहाँ तक हो गए अब एक और डॉट यहाँ पे बनेगा अब देखें यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो चुका है राउंड नंबर ट्वेंटी फाइव तक मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है तो इनशाला नेक्स्ट पार्ट में आपसे आगे मुलाकात होगी तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ तो ये मोजिक स्टिच है मोजिक स्टिच में फ्रंट लूप और बैक लूप करते हैं तो यहाँ तक मैं बना चुकी हूँ तो ये देखें यहाँ तक मेरा हो गया राउंड नंबर ट्वेंटी फाइव तक तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़